छत्तीसगढ़ जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म डेड़ी गड़ाई रस्म विधि विधान के साथ संपन्न हुई। करीब 600 साल पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए पारंपरिक तरीके से इस रस्म को पूरा किया गया। रस्म को दशहरा समिति के उपाध्यक्ष द्वारा पूरा किया गया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में विदेशी पर्यटकों को बुलाने के लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही है। आज से 2 मंजिला विशालकाय रथ निर्माण का भी काम शुरू होगा। सूबे के मुखिया को बस्तर दशहरे का न्योता दिए जाने की भी तैयारियां की जा रही है। वहीं महाराजा ने बताया कि परंपरागत चली आ रही जिसको आप कहते हैं बस्तर दशहरा, जो की शुरुआत हो चुकी है। आज डेरी गराई का कार्यक्रम हुआ जिसमे की बस्तर राजघराने से जैसा परंपरागत चले आ रही यहाँ से हमारे यहाँ से सामग्री जाती है, जिसमें फिर डेरी जो गढ़ती है एक स्तंभ जैसे गढ़ा जाता है, उस स्तंभ की पूजा अर्चना होती है जिसमें कि सभी माझी चालकी मेंबर मेम्बरिन और राजा के निर्देश के अनुसार वहां जाकर के उपस्थित होते हैं, पूजा पाठ करके आज से वो समापन होता है पूजा का। और साथ साथ एक हल्दी का भी रस्म किया जाता है जिसमें हल्दी खेली जाती है, इसको क्योंकि शुभ मुहूर्त माना जाता है हल्दी खेलना, तो वो हल्दी भी खेल करके आज का जो परंपरा इसको निर्वहन करने के लिए सभी हमारे पुजारीगण, हमारे जिया बाबा का परिवार और साथ साथ समस्त माझीगण चालकी मेंबर मेम्बरिन और पुजारी जितने लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ये परंपरागत चली आ रही बस्तर दशहरा की जो परंपरा, ये करीब 600 साल पुरानी ये परंपरा आज भी वैसे निर्वहन हो रही। और एक माटी पुजारी की हैसियत के नाते आप सभी को बस्तर दशहरा में आने का न्योता देता हूँ और सभी मीडिया साथियों को भी कहता हूँ कि आप लोग सब मिल करके बस्तर दशहरा को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें ताकि आने वाले समय में हम बस्तर दशहरा को पूरे के पूरे देश में फैला सकें। आज दशहरा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो डेढ़ी गड़ी वो तेरस के दिन ही उसको विधि विधान के साथ पूजा करके रखा जाता है, उसको गाड़ के पूजा किया जाता है जिसमें मछली और चना लाई डाला जाता है, देवी के रूप उसको पूजा किया जाता है। और तेरस के दिन ही उसको यहाँ से जो शुभ मुहूर्त में जो शुभ काम करना है कोई भी चीज़ का, देवी देवता या घर का परिवार का सुख शांति के लिए जो किया जाता है, जो हमारा जो मनोकामना पूर्ण हो जिससे कि हमारा जो कार्यक्रम संचालन हो और अच्छी तरीके से निभाए बोल के माई जी का आराधना करते हुए उस डेरी को रख के वहाँ पूजा किया जाए, उसको एक विधि विधान से पूजा किया जाता है। इसके बाद दशहरा पर कौन सा विधि विधान किया जाएगा? इसके बाद जो है रथ लकड़ी लाने का शुरुआत हो जाएगा, रथ बनाने का कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा और उसके बाद ही कार्यक्रम आगे शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा जो कार्यक्रम रहेगा वो काशी देवी का अनुमति लिया जाएगा दशहरा को प्रारंभ करने के लिए, उसके बाद ही उसके बाद कार्यक्रम आगे फिर प्रारंभ होगा। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।